राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है राजस्थानी लोक कथाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्ल बड़ी या भाग्य। बच्चों, राजस्थान में जागरण कथाओं की बड़ी पुरानी परंपरा रही है। रात भर ऐसी कहानियां चटकारे ले लेकर सुनाई जाती कि नींद के झोंके आने के बाद भी मन नहीं भरता। अब इसमें कभी कभी ये फायदा हो जाता कि अगर गांव में पहरेदारी करनी हो, चोर डाकू को घर आने से रोकना हो, तो बस शुरू कर दो जागरण कथा। कभी कभी इन कथाओं में बड़ी बुद्धिमानी की बातें छिपी रहती थी। बुद्धिमानी की बात उठी है तो आज सुनो भाग्य और बुद्धि में हुए झगड़े की कहानी। राजस्थान में ये मान्यता है कि बुद्धि और भाग्य की आपस में पटती नहीं है, ये हमेशा लड़ते रहते हैं। एक दिन बुद्धि और भाग्य शेखावाटी जिले के फतेहपुर गांव की सड़क से गुजर रहे थे। अक्सर गांव के रास्ते छोटे और कच्चे होते हैं, एक वक्त में एक आदमी ही गुजर सकता है। सुनते हैं कि भाग्य शरीर से कुछ पहलवान जैसा था, सो बुद्धि को निकलने का रास्ता नहीं रहा, बस हो गई तकरार शुरू। अरे ओ बुद्धि जी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ? चलिए हरियो सामने से दंदन आती। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हें नहीं अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए था। तुम्हारे सामने मैं पहले इस रास्ते पर आ रही थी, मेरा नहीं तो अपने शरीर का ख्याल किया होता। मैं भाग्य हूँ, मैं जहाँ से निकलता हूँ रास्ते आसान हो जाते हैं। भाग्य में यदि लिखा है कि ये रास्ता पार होगा तो होगा ही। और मैं बुद्धि हूँ जो हर अड़चन पर काबू पाना जानती है। अगर मैं नहीं हूँ तो मनुष्य का सारा भाग्य धरा रह जाए। तुम अपनी बढ़ाई अपने आप किए जाओ, लेकिन उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। या, बात तो बढ़ती ही गई। एक बूढ़ा अपने मकान के छत से सारा तमाशा देख रहा था, उससे रहा न गया। तुम कुछ भी कहो, बड़ी मैं हूँ। बड़ा मैं हूँ? नहीं, मैं बड़ी हूँ। मैं बड़ा? हाँ, 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 देखो जी, मारे हिसाब से थे दोनों जने, लड़ो झगड़ो मत, कौन बड़ो है इकी परीक्षा कर लो। हैं? कैसे? मैं बताऊं थाने, मैं बताऊं। पहले यहाँ करो कि थे दोनों जना दस दस कदम पीछे हटो। क्या? अरे आ गली खाली करो भाई। अच्छा, हाँ, अब ई रास्ता घूम चौड़ी सड़क पे पहुँचो। चौड़ी सड़क? और देखो बठे जो पहलो आदमी थाने दिखे, बी पे अपनी जोर आजमाश कर दिखाओ। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो भाग। चलो चलो चलो। बूढ़े की बात भाग्य और बुद्धि दोनों को जची, सो दोनों पहले तो दस कदम पीछे हटे, फिर घूम कर गांव के चौड़े रास्ते पर आकर मिले। तभी क्या देखते हैं कि सामने से एक गरीब किसान घास उठाए चला रहा है। भाग्य ने कहा, बुद्धि रानी, देखो अब मैं इसमें प्रवेश करता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ अपना चमत्कार। और बुद्धि बोली, तो भाई मैं इसमें से निकल जाती हूँ और तुम्हें दिखाती हूँ अपनी शक्ति। भाग्य के किसान में प्रवेश करने की देर थी कि सामने से राजा के महल का मुनादी वाला ढोल पीटता हुआ आ निकला। सुनो सुनो, हर खासो आम को इत्तला दी जाती है कि महाराज संवत सिंह का प्रिय पक्षी बाज राजा की मोहर वाली अंगूठी लेकर उड़ा था, लेकिन वो उस अंगूठी को कहीं गिरा आया है। अगर किसी को छत पर या घास फूस में या कहीं और पड़ी मिले तो तुरंत लौटा दे।
राजा उसे भरपूर इनाम देंगे। सुनो सुनो, अंगूठी मिल जाए तो मजा आ जाए। मिल जाए तो बड़ा अच्छा। अरे बड़ी कीमती अंगूठी होगी भाई। अरे मेरे तो मिल जाए तो राजा इनाम भी अच्छे देगा। अंगूठी? अरे यहाँ तो नहीं पड़ी। मुनादी वाला बैलगाड़ी पर सवार था। उसने गाड़ीवान से कहा आगे चलो, पर बैल जो थे वो हिले ही नहीं। दरअसल बच्चों बैल भूखे थे। तो गाड़ीवान ने गरीब किसान से कहा, अरे भैया ये घास तुम मेरे बैलों को दे दो, बदले में चाहे पैसे ले लो। किसान झट से राजी हो गया। जब वो घास बैलों को डालने लगा तो देखता क्या है, अरे घास में तो राजा की मोहर वाली अंगूठी चमचमा रही है। अब तो भैया किसान बड़ा खुश हुआ कि चलो माला माल हो गई, जीवन भर का दुख कटा। किसान ने बच्चों अंगूठी मुनादी वाले को दिखाई तो वो किसान को अपनी बैलगाड़ी पर बैठाकर राजा के महल ले गया। बोलो किसान, इस अंगूठी के बदले क्या मांगते हो? गरीब को क्या चाहिए मालिक, रोटी कपड़ा और मकान। बच्चों भाग्य ने अपना सिर पीट लिया। इस पर बुद्धि बोली, देखा मेरे बिना किसान ने खराई दौलत ठुकरा दी, अब मैं राजा में प्रवेश करती हूँ। मंत्री जी। जी महाराज। जितना ये एक बार में खा सके इसे उतनी रोटी दे दो है? जितना इसके शरीर पर एक बार में समा जाए उतना कपड़ा दे दो, और जितनी जगह में ये रह सके उतनी बड़ी झोपड़ी बनवा दो है? क्योंकि इसने ये तो कहा नहीं कि इसे रोटी कपड़ा और मकान कितना और कब तक चाहिए। जो आ गया महाराज। राजा का फैसला सुनकर भाग्य तो सकते में आ गया। कहां तो वो किसान को खाना कपड़ा खेत महल दिलवा रहा था, और कहां उसे सिर्फ एक दिन का सामान मिला। भाग्य बच्चों अभी सोच ही रहा था कि बुद्धि बोली, अब मैं राजा से निकलकर किसान में प्रवेश करती हूँ। तो ये बात है, ठीक है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ने अपनी अंगूठी के बदले मुझे एक दिन की रोटी, चार कपड़े और झोपड़ी दी। ठीक है, जितनी राजा की शान उतना ही मेरा मान, जितनी राजा की शान उतना ही मेरा मान, जितनी राजा की शान उतना ही मेरा मान, जितनी राजा की शान उतना ही मेरा मान। किसान की बात सुनते ही मंत्री जी के तो कान खड़े हो गए। ये क्या कह रहा है किसान? इसका मतलब तो ये हुआ कि राजा कंजूस है या गरीब है? अगर किसान गांव भर में यही कहता फिरेगा तो राजा की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। मंत्री जी बच्चों तुरंत उठकर राजा के पास गए। अन्नदाता, इसमें तो आपकी बड़ी हेठी होगी। ये किसान अगर आपकी शान में ऐसा गुण गाएगा तो दरबार में आपकी नाक कट जाएगी। आप फौरन फैसला बदलिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो मंत्री जी। ठहरो किसान, ठहरो। अभी हमारा इनाम पूरा नहीं हुआ। अभी तो हमने तुम्हें सिर्फ वो दिया है जो तुमने मांगा। अब तुम वो इनाम भी लो जो हमने इस अंगूठी लाने वाले के लिए तय किया था। मंत्री जी। जी महाराज। इसे 100 सोने की मोहरे और एक गांव बख्शा जाए। जो आ गया महाराज। धन्य हो महाराज, धन्य हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब क्या था, अब तो किसान सचमुच ही मालामाल हो गया। आखिर तरकीब तो बुद्धि ही की थी। सो बुद्धि मुस्काने लगी और बोली, दे
देख लिया मेरा चमत्कार, अब मैं किसान में से निकल जाती हूँ। भाग्य को बच्चों बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा, ये सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं थी, अभी तक मैं भी किसान के साथ था, अब मैं भी किसान का साथ छोड़ता हूँ। बस बच्चों, बुद्धि और भाग्य दोनों किसान को छोड़ आए। किसान महल से बाहर निकला, अब उसके हाथ में सोने की 100 मोहरे और गांव पर अधिकार का राजसी पत्र था। उसके बाहर आते ही गाड़ीवान बोला, अरे किसान भैया। हाँ। कहो गाड़ीवान भाई। भैया ये इनाम तुम अकेले नहीं ले जा सकते। क्यों? अगर मैं तुमसे अपने बैलों के लिए घास ना मांगता तो अंगूठी का तुम्हें पता ही ना चलता। हाँ? और अगर मैं मुनादी न करता तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलता कि राजा की अंगूठी खोई है। अच्छा अच्छा भैया, मान लिया कि इस इनाम में तुम दोनों का भी हिस्सा है, बोलो क्या मांगते हो? जो मांगे दोगे? हाँ हाँ दूंगा। वचन देते हो? वचन देता हूँ। मुझे तो तुम गांव का पट्टा दे दो। और मुझे सोने की 100 मोहरे। ये क्या कह रहे हो गाड़ीवान भाई और मुनादी वाले, ये तो फिर मेरे पास तो कह रहा है, कमाल है। ठीक है भाई ठीक है। बच्चों वचन तो वचन, बेचारे किसान को भी अपना वचन निभाना पड़ा, वो फिर गरीब हो गया। भाग्य और बुद्धि दोनों ने अपना सिर पीट लिया। तभी वो वृद्ध आया जिसने भाग्य और बुद्धि को अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का सुझाव दिया था। हाँ बुद्धि, अब बताओ कौन बड़ा है? हाँ भाई, तो थे दोनों में से कौन जीतियो? कोई नहीं। अरे भाई थे बिना बात ही लड़ो हो, थाने पतो कोनी, बुद्धि ही सो भाग बड़े है। बुद्धि को दूसरो रूप ही भाग है। जै कहा, जो किरणा बिन सूर्य नहीं, जो तारा बिन रात, त्यों मानव संपूर्ण नहीं, बिन बुद्धि बिन भाग। अकल बड़ी या भाग्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख रमा पांडे, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार राम मैनी, मंजू मैनी, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, राधा कृष्ण दत्ता, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, सुरेंद्र कौशिक, पवन कौशिक और रमा पांडे, ध्वनियांकन राजेंद्र प्रसाद, निर्माण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा।